जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली एक बड़ी सफलता। पाकिस्तानी जासूस ने निशांत अग्रवाल के लैपटॉप को 3 खास एप्लीकेशन से किया था हैक। पेरिस एयर डिफेंस शो में भारत ने अपने तेजस से लेकर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे मेड इन इंडिया वेपन्स को किया शोकेस। यूएस डेलीगेशन तिब्बतन लीडर दलाई लामा के साथ मुलाकात करने के लिए भारत पहुंचा और यूएस के सीक्रेट सर्विस एजेंट के साथ ही हुई लूटपाट। तो जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि 16 और 17 जून की रात को स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में बंदीपुरा में एक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया गया था। तो अब इसी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ आगे का अपडेट कुछ इस तरह से, जिसमें 3 सेक्टर RR के कमांडर की तरफ से बताया गया कि उन्हें कुछ समय से बंदीपुरा के अरगाम क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों की रिपोर्ट्स मिल रही थी और इसलिए हमने इस एरिया को लगातार अपने सर्विलियंस में रखा हुआ था। और फिर 16 और 17 जून की रात को हमें कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस प्राप्त हुए और उन्हीं के आधार पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और इसी ऑपरेशन के दौरान एक एम्बुश पार्टी ने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज नोटिस करी और कुछ संदिग्ध पाकर एम्बुश पार्टी की तरफ से ओपन फायर किया गया और इसी फायरिंग में एक आतंकी जिसका नाम है उमर लोन, तो उसे ढेर कर दिया गया। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि जो ये उमर लोन है तो ये कैटेगरी 1A का आतंकी था जो कि 2018 से एक्टिव था और ये वर्तमान समय में लश्कर और TRF के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 16 और 17 जून की रात को जो ऑपरेशन हुआ तो उस ऑपरेशन में इस उमर लोन को हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया। बाकी जो उमर लोन है ये आतंकी संगठनों में रिक्रूटमेंट, ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को रन करना और इलीगल किलिंग्स में इन्वॉल्व था। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह से आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम को मेंटेन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें कई सारी सक्सेस मिली है और कई पुराने आतंकियों को एलिमिनेट किया गया है। और उनका यह भी कहना था कि हमें इन सभी ऑपरेशंस में पब्लिक की तरफ से भी फुल सपोर्ट रिसीव हुआ है और आने वाले समय में इस तरह के ऑपरेशंस आगे भी मेंटेन रहेंगे। फ्रांस में आयोजित किए गए यूरोसेट्री 2024 डिफेंस शो में भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के डिफेंस फर्म्स ने भी पार्टिसिपेट किया है और इस एग्जीबिशन में इंडियन कंपनीज ने अपने कई सारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स को शोकेस किया, जिसमें पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से लेकर भारत का अपना स्वदेशी फाइटर जेट LCA Tejas भी शामिल है। और जबकि इसी तरह से इसमें DRDO की करीब 11 प्रमुख डिफेंस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को शो किया जा रहा है, जिसमें DRDO के एवॉक सिस्टम, अस्त्र BVR मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। लेकिन इस सब में जो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये देखने को मिला है कि अमेरिका से एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आज हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है और अपने इस विजिट के दौरान वे तिब्बत के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरान रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को भी साइन किया जाएगा जो कि पिछले सप्ताह US कांग्रेस द्वारा पास किया गया था। और जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट है इसमें चीन के साथ आग्रह किया गया कि वो तिब्बतन लीडर्स के साथ रीइंगेज होए और तिब्बत में गवर्नेंस वाले डिस्प्यूट का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाले। और इस विधान में चीन की उस पोजीशन को भी रिजेक्ट किया गया जिसमें चीन ये दावा करता है कि तिब्बत प्राचीन समय से ही चीन का हिस्सा है और इसलिए चीन से तिब्बत के इतिहास, तिब्बती लोगों और दलाई लामा सहित तिब्बती संस्थानों के बारे में गलत सूचना का प्रचार बंद करने का आग्रह भी किया गया। बाकी चीन ने किस तरह से तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है और कैसे चीन अपनी अलग अलग टैक्टिक्स के माध्यम से तिब्बत के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तिब्बत में ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन कर रहा है और एक तरह से कहें तो तिब्बत की अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से मिटाने के प्रयास कर रहा है, तो उस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आपको डिफेंस XP नेटवर्क चैनल पर मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तिब्बत के सपोर्ट में US डेलीगेशन की जो ये भारत विजिट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बाकी इस विजिट को लेकर हमारे चिंदी पड़ोसी की तरफ से कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं की भी हमें पूरी उम्मीद है। आप सभी को ध्यान होगा अभी कुछ ही समय पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस में काम करने वाले एक फॉर्मर इंजीनियर जिनका नाम है निशांत अग्रवाल, तो इन्हें पाकिस्तान को भारत के मिलिट्री सीक्रेट्स लीक करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो अब इसी मामले से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पाकिस्तानी जासूसों ने 3 खास तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया था निशांत अग्रवाल के लैपटॉप को हैक करने के लिए और उन 3 एप्लीकेशंस के नाम है विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट। और जिस पाकिस्तानी एजेंट ने निशांत अग्रवाल को हनी ट्रैप किया था तो उसके निर्देशों पर निशांत अग्रवाल ने उसके द्वारा भेजे गए कुछ लिंक्स को क्लिक किया था और इन 3 एप्लीकेशंस को 2017 में अपने पर्सनल लैपटॉप में इंस्टॉल किया और ये तीनों एप्लीकेशंस एक्चुअल में मालवेयर थी जो कि निशांत के लैपटॉप से डेटा को चुरा रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि निशांत अग्रवाल ने अपने पर्सनल लैपटॉप में ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखा हुआ था जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सिक्योरिटी नॉर्म्स का उल्लंघन है। और जबकि कुछ दिनों पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया था कि जो निशांत अग्रवाल है तो वो नागपुर में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबली यूनिट में भी काम करता था
और अपने कार्यकाल के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर की गई करीब 80 मिसाइल्स की डिलीवरी में भी ये शामिल था। और जबकि हाल ही की घटनाओं से भी सामने आया है कि निशांत अग्रवाल ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी ISI के जो हनी ट्रैप्स हैं वो इंडियन सोशल मीडिया पर अब कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका के हाई प्रोफाइल लीडर्स को सिक्योरिटी प्रदान करने वाली US की सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट के साथ हाल ही में लूटपाट वाला मामला सामने आया है। असल में ये घटना है पिछले शनिवार की, जब US के राष्ट्रपति जो बाइडेन लॉस एंजलिस में एक हाई प्रोफाइल फंड रेजर के लिए शहर की यात्रा पर थे और उनकी इसी यात्रा के दौरान कैलिफोर्निया में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को गन पॉइंट पर लूट लिया गया है। और ये रिपोर्ट फॉक्स न्यूज़ की तरफ से जारी की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि एक एजेंट के द्वारा फायर तक करना पड़ा। हालांकि इस फायरिंग में जो संदिग्ध था उसे किसी तरह की चोटें आई हैं या नहीं आई हैं तो ये स्पष्ट नहीं है। बाकी इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, पर एक बात तय है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से अब अमेरिका को कुछ इस तरह के ताने जरूर सुनने पड़े हैं कि जो दुनिया भर के देशों को कानून व्यवस्था को लेकर नसीहत देते रहता है, उनके खुद के अंदर हालात ऐसे हैं कि उनके सीक्रेट सर्विस के एजेंट को लूट लिया जा रहा है। बाकी इस घटना पर आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार को ताइवान के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी ऑनलाइन पिक्चर्स सामने आई थी जिसमें चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन ताइवान के फिशरमैन के पास सेंसिटिव ताइवान स्ट्रेट में सरफेस करते हुए दिखाई दी। तो इन पिक्चर्स के सामने आने के बाद से जो ताइवान है वो चाइनीज सबमरीन पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि ताइवान की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और जबकि एक अपडेट ये भी है जिसमें ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि ताइवान इस वर्ष के अंत तक अमेरिका से करीब 1700 TOW-2B एंटी टैंक मिसाइल्स और 100 लॉन्चर्स को खरीदेगा। आज 18 जून को नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की एक मीटिंग आयोजित की गई थी और इस मीटिंग के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए एक जॉइंट डॉक्ट्रिन को रिलीज किया और ये डॉक्ट्रिन आज के कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में साइबर स्पेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए हमारे मिलिट्री कमांडर्स को गाइड करेगी। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अब साइबर स्पेस भी लैंड, सी और एयर की तरह वॉरफेयर के महत्वपूर्ण डोमेन्स के तौर पर उभर के सामने आया, खास तौर पर मॉडर्न वॉरफेयर में। और ये डॉक्ट्रिन साइबर स्पेस डोमेन में ऑपरेट करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को बनाए रखने के साथ साइबर स्पेस के लिए मिलिट्री कमांडर्स को प्लानिंग और सीमलेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए गाइड भी करेगा। बाकी एक अपडेट यह है कि आज 18 जून को नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल RR में एक नई अत्याधुनिक स्किन बैंक फैसिलिटी को ओपन किया गया है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के अंदर एस्टैब्लिश की गई अपनी तरह की पहली फैसिलिटी है। और इस फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो हमारे मिलिट्री सर्विस के मेंबर्स हैं और उनकी फैमिलीज हैं तो उनके लिए गंभीर रूप से चलने वाले केसेस या फिर त्वचा से संबंधित अन्य स्थितियों के उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सके। बाकी एक और अपडेट है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की स्नाइपर टीम्स ने सप्ताह भर लंबी एक्सरसाइज के दौरान सिमुलेटेड ऑपरेशन कंडीशंस में अपनी मार्क्समैनशिप, एंड्योरेंस, नेविगेशनल और सर्वाइवल स्किल्स को वैलिडेट किया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन अनिल कुमार जायसवाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन दीपक गुलेरिया वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आज भारत के फ्लाइंग सिख ऑनररी कैप्टन मिल्खा सिंह जी की 3rd डेथ एनिवर्सरी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कारगिल वॉर के दौरान 0.5140 को रिकैप्चर करने में इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।